नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पुरुष के लिंग में सूजन के विषय में। ये एक आम समस्या होती है जो आपके सामने आ जाती है, और हम देखते हैं हमारे क्लिनिक पे मरीज आते हैं कि वह कितने महंगे महंगे इलाज इसके विषय में करते हैं। यह एक समस्या ऐसी है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा तो देता ही देता है, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो यह स्टेशन किनारे बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बैठे रहते हैं। यह लोग इसका अनावश्यक उत्पीड़न आपका करते हैं, आपसे अनावश्यक पैसा लेते हैं और आपकी समस्या भी ख़त्म नहीं होती। हम आपको बताएंगे आपके गुप्तांग, पुरुषों के गुप्तांग यानी पेनिस यानी लिंग में सूजन को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, लिंग में सूजन बहुत से कारणों से हो सकती है, इसलिए हम आपसे आग्रह भी करेंगे कि कोई भी दवा हो वह किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, यो कोई दवा अपने मन से ना लीजिएगा। चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिसके आप बताते हैं आपके पेनिस यानी गुप्तांग यानी पुरुषों के गुप्तांग में सूजन को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ। साथियों, नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में आती है आपके इन्फ्लेमेशन की, वह वो स्थिति होती कि जब आपको जो परप्यूस होता है, जो आपकी पेनिस की फोर स्किन होती है, उसमें आगे की तरफ स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, और यह आपके लिए एक समस्या बन जाती है। आपको यूरिन करने भी ट्रबल होता है, जलन होती है, क्रैक्स भी आ जाते हैं और आपको परेशानी होती है। तो अगर साथियों आपके जो पेनिस का ऊपर की फोर स्किन है, उसका जो आगे का पार्ट है जिसको कि प्रप्यूस कहते हैं, उसमें सूजन आती है, तो उसको ठीक करने की नंबर एक दवा होम्योपैथी में है मर्क्यूरियस। आप मर्क्यूरियस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके जो परप्यूस है, जो आपके पेनिस का आगे का भाग है, उसकी जो फोर स्किन है, उसकी सूजन को ख़त्म करके आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, जब आप पेशाब करने जाते हैं और पेशाब करके आते हैं तो आपके जो पेनिस है उसमें सूजन होती है और खुजली बहुत होती है। मतलब आप इतना खुजलाते हैं पेनिस को, गुप्तांग को, पुरुष भाई, कि उनके सूजन आ जाती है। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सिनेबेरिस। आप सिनेबेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी इस समस्या को भी ख़त्म करेगी, आपकी इचिंग यानी खुजली को ख़त्म करेगी, आपके पेनिस की सूजन को ख़त्म करेगी और आपको राहत देगी। एक स्थिति आती है साथियों, जब आपके पेनिस में इन्फ्लेमेशन हो और आपका जो आगे का पार्ट है पेनिस का, उसमें वाइट कोटिंग आ जाए। तो अगर आपको यह समस्या हो कि आपको पेनिस में इन्फ्लेमेशन हो गया हो, आपका जो उसका आगे का भाग है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया हो और उसमें वाइट कोटिंग आ गई हो और आपको वह दिक्कत दे रही हो, तो अगर एक सफ़ेद रंग की एक सतह बन गई हो, तो अगर वह स्थिति हो साथी हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कैल्केरिया कार्ब। आप कैल्केरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके पेनिस के आगे के पार्ट में ग्लांस पेनिस के पास आपकी सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपको आपका यह वाइट कोटिंग को भी ख़त्म करके आपको स्वस्थ बनाएगी। एक स्थिति आती है साथियों कि आप जब पेशाब करने गए, आपके गुप्तांग में सूजन है, पेनिस में सूजन है, और जब आप पेशाब करने गए तो आपको पेशाब की नली तक खिंचाव महसूस होने लगा। अगर यह स्थिति हो साथियों कि आप यूरिन करने के बाद पेशाब कर लिए, पेशाब करके जब वापस आए तो आपको पेशाब की नली तक खिंचाव महसूस होने लगा और बहुत देर तक यह दर्द बना रहा, तो अगर यह स्थिति हो साथियों आपके और गुप्तांग की आपके सूजन हो पुरुष भाइयों के, तो उस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स 1 mg की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, तो इस दवा से आपकी जो पेशाब करने के बाद जब आप आके बैठते हैं, लेटते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा जलन और पेशाब की नली में खिंचाव होता है, उस सिम्टम को ख़त्म करके आपको स्वस्थ बनाएगी। एक साथियों स्थिति आती है कि आपके पेनिस में सूजन आ गई हो और उसमें सुइयों ऐसी चुभन हो रही हो। यह एक कॉमन स्थिति है जो हो जाती है और आप इससे परेशान रहते हैं।
तो अगर यह स्थिति है साथियों कि आपके पेनिस में इन्फ्लेमेशन आ गया हो, आपके ग्लांस पेनिस में यानी पेनिस के आगे अग्रिम भाग में सूजन हो और उसमें सुइयों ऐसी चुभन हो रही हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कोरैलियम। आप कोरैलियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके पेनिस की सूजन को भी ख़त्म करेगी और जो नीडल्स की तरह आपको चुभन होती है उसको भी ठीक करके आपको स्वस्थ बनाएगी। एक स्थिति आपके सामने आपके पेनिस की सूजन में, गुप्तांग की सूजन में, पुरुष भाइयों के लिंग की सूजन में आ सकती है, वह है लिंग की सूजन हो और आपके जब आप पेशाब करते हो तो आपके रेतने काटने वाला दर्द आपको अपने लिंग के अंदर महसूस होता हो। अगर यह स्थिति है साथियों तो इस समस्या से निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम मैक्यूलेटम। आप कोनियम मैक 1 mg पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं, हफ्ते में ले सकते हैं। यह आपके सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपके रेतने काटने वाले दर्द को भी ख़त्म करेगी और आपको स्वस्थ रखेगी। एक स्थिति आ सकती है साथियों किसी के सामने कि आपके पेनिस में सूजन हो और वह पकने लगा हो, मवाद पड़ने लगा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके पेनिस में सूजन हो और पस का फॉर्मेशन हो रहा हो, मवाद पड़ रहा हो, तो उसको सुखाने की, ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में हिपरसल्फ फ्योरिकम। हिपरसल्फ 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप हफ्ते में ले सकते हैं। इससे आपके पेनिस की सूजन भी बैठेगी और जो उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है वह भी रुकेगा और आप स्वस्थ होंगे। एक स्थिति आ सकती है साथियों कि आपके पेनिस में सूजन हो और उसमें अल्सर फॉर्मेशन हो गया हो, अल्सर बन गए हों, घाव बन गए हों और वह इतना जलन और दर्द करते हों कि आपको रात भर सोने ना देते हों। तो अगर यह स्थिति हो कि आपके पेनिस में सूजन हो, उसमें अल्सर्स, फ्लैट अल्सर्स बन गए हों, सपाट से घाव हो गए हों और रात भर इतनी तकलीफ, जलन, दर्द आपके हो कि रात भर आप सो ना पाते हो, उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिडम नाइट्रिकम। आप एसिड नाइट्रिक 30 पावर में या यूं कहो एसिड नाइट्रिक 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपका जो अल्सर्स बने हैं वह भी ख़त्म होंगे, जो घाव बने हैं वह भी ख़त्म होंगे, आपके पेनिस की सूजन भी ख़त्म होगी और आप ठीक होंगे। एक स्थिति आ सकती है साथियों किसी के सामने कि आपके पेनिस में सूजन हो और जब आप यूरिन करते हो तो बहुत जलन होती हो। तो अगर यह स्थिति हो कि जब आप यूरिन करते हो तो आपके पेनिस में बहुत जलन होती हो और पेनिस में सूजन हो, आपके लिंग में सूज गया हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है करोटन टिग्रिनम। आप करोटन टिक 1 mg पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा एक खुराक लेने पर 2-4 दिन के अंदर आपकी सूजन को भी ख़त्म कर देगी और आपके पेशाब करते वक्त होने वाली जलन को भी ख़त्म कर देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि किसी कारण आपको पेनिस में चोट लग गई और सूजन हो। तो अगर यह स्थिति हो कि आपको कोई ब्रूस्ट चोट लगी हो, कभी कभी होता है जब हम जा रहे हैं तो किसी साइकिल की गद्दी से या कहीं बैठे हैं तो ठोकर लग जाती है, तो अगर वह स्थिति हो, आपके पेनिस में सूजन आ गई हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है आर्निका। आप आर्निका 1 mg की 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके पेनिस की सूजन को भी बैठाएगी और आपके दर्द को भी ख़त्म करेगी और आपको रिलीफ देगी। एक स्थिति आती है साथियों जब आपके पेनिस यानी जब हम सूजन की बात करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में हम परप्यूस की बात कर रहे हैं, जो फोर स्किन होती है पेनिस की, उसमें सूजन आ जाए और उसमें रेंगन हो। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इसको ख़त्म करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एकोनिटम नेप्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके परप्यूस में सूजन आ गई हो और आपके ग्लैंड्स पेनिस में रेंगन महसूस होती हो, लगता है कुछ रेंग रहा है, क्रॉलिंग सेंसेशन हो रहा है, तो यह एकोनाइट दवा आपको ठीक करेगी, आपके पेनिस की सूजन को ख़त्म करेगी और आपको स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य की स्थिति में लाएगी। एक स्थिति आती है साथियों, हो सकती है किसी के उनके पेनिस में इन्फेक्शन हुआ हो और वो बहुत ज़्यादा सूज गया हो, इतना सूज गया हो कि उसमें बहुत जलन हो रही हो और चुभन हो रही हो। तो अगर जलन और चुभन दोनों चीज़ें हो रही हो और बहुत ज़्यादा सूजन है आपके पेनिस में, तो उसको ठीक करने की, उस स्थिति से निपटने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एपिस मेलिफिका।
आप एपिस 30 पावर में दो दो बूंद दिन में तीन बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी पेनिस को सूजन को भी ख़त्म करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। ये साथियों को दवाएं थी होम्योपैथी में आपके गुप्तांग, पुरुषों के गुप्तांग यानी पेनिस यानी लिंग की सूजन को ख़त्म करने की। साथियों सूजन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसका वास्तविक कारण आप किसी डॉक्टर से एग्जामिन कराएंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा और जो आपके लिए कारण होगा उसी के हिसाब से आपकी दवा चलेगी। बात कहने का मतलब ये है कि कोई भी दवा ले कुशल चिकित्सक से पूछ के ही ले, ऐसे अपने मन से कोई भी दवा किसी भी वीडियो की आप देखकर ना लें। आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको आपकी बात का संतोषजनक जवाब दे पाएं। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा और साथियों से सब्सक्राइब करने को प्रेरित करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ गुजारने के लिए, तब वक्त हमारे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।